बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूँ रब, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया शुरू चैनल। गढ़ यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 की परीक्षा जो कि 29 दिसंबर से शुरू हो रही है। तमाम परीक्षाएं हो रही है लेकिन उसमें से 2 दिन की परीक्षा बिहार विश्वविद्यालय फिलहाल स्थगित कर दी है। ध्यान देंगे 29 दिसंबर और 31 दिसंबर, वो तमाम छात्र छात्राएं जिनका 29 और 31 तारीख को एग्ज़ाम था अब उस दिन नहीं होगा। तो अगली जो परीक्षा होगी वह कौन कौन सी परीक्षा होगी और आप कैसे तैयारी करेंगे यह अब इस नोटिस में आपको समझना होगा। अभी हम यात्रा कर रहे हैं फिर भी हम आपको इस बीच में वीडियो बना करके अपडेट कर रहे हैं। थोड़ा लेट पहुंचेगा एक आध दो दिन, बस 27 और 28 मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्ज़ाम है इसलिए रास्ते में अभी हमें, फिर भी आपको हम ये तमाम जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, ग्रुप ए वाले का 29 तारीख को एग्ज़ाम था और ग्रुप बी वाले का 29 तारीख को एग्ज़ाम था। तो कौन कौन छात्र छात्राएं थे, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए में फिजिक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, बंगला, संस्कृत था। और बी जो होना था 29 तारीख को ही सेकंड सीटिंग में, उसमें जूलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, सोशियोलॉजी, प्राकृत एंड जूनियोलॉजी, उर्दू, इलेक्ट्रॉनिक्स, यह सब था ना आप तमाम छात्र छात्राएं। तो ये 29 को एग्ज़ाम नहीं होगा। और ग्रुप ए वाले का और बी वाले का, ग्रुप ए वाले का फिर 31 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होता, पेपर 6 होता, और सेकेंड सीटिंग में ग्रुप बी वाले का पेपर 6 होता। तो आपका पेपर 5 और पेपर 6 दोनों पेपर का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अब आपको ग्रुप ए और बी के तमाम छात्र छात्राएं, देखिए ए और बी कह रहे हैं तो आप लोग रूटीन से रिलेट कीजिएगा, तो ग्रुप ए और बी के तमाम छात्र छात्राएं अब आपको शुरुआत करनी है। तो आपको पेपर 7 से अब आपको शुरुआत करनी है जो कि आपको 3 जनवरी के होगा। तो ग्रुप ए और बी में अब पेपर 7 पर ये 5 और 6 छोड़ दीजिए। अब 5 और 6 कब होगा, तो इसमें दिया गया है अब 7 और 8 7 जो होगा आपका वह 3 जनवरी को होगा, आप देख पा रहे यहाँ पर, और जो 8 होगा वह 6 जनवरी को होगा। तो 8 में तो प्रैक्टिकल होगा जिसका, तो उसका तो फिर पेपर 8 नहीं होगा, लेकिन जिसका प्रैक्टिकल नहीं होगा उसका पेपर 8 तो 6 जनवरी को होगा। अब देखिए, अब आपका जो पेपर 5 होगा वह कब होगा, तो 29 के बदले 11 जनवरी दिया गया है। तो 11 जनवरी को ग्रुप ए और बी में तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर 5 की परीक्षा अब 11 जनवरी को होगी। वहीं 31 तारीख को जिनके एग्ज़ाम थे ग्रुप ए और बी वाले का ही, इसी दोनों को जो है कि पोस्टपोन किया गया है, बाकी जो सी है और डी है उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो 31 तारीख को जो आपका पेपर 6 होने वाला था ग्रुप ए वाले, आपका पेपर 6 जो था कि फर्स्ट सीटिंग में था, वह अब आपको 12 जनवरी को फर्स्ट सीटिंग में होगा। वहीं ग्रुप बी जो कि 31 जनवरी को सेकंड सीटिंग में आपके जो पेपर 6 के परीक्षा होने थे, अब वह 12 जनवरी को आपको जो है कि सेकंड सीटिंग में ग्रुप बी वाले की परीक्षा होगी। मतलब सिर्फ यही समझिएगा कि ग्रुप बी वही रहेगा, उसके बाद से यदि आपका फर्स्ट में था तो फर्स्ट सीटिंग में भी उस दिन होगा, फर्स्ट सीटिंग में ही, सेकेंड में था तो सेकेंड में, मतलब कि तमाम चीज़ें सिर्फ वही रहेगी, बस तारीख बदल जाएगी। और पेपर का जो सीक्वेंस आपका जो चल रहा था ठीक ठाक, वह सीक्वेंस अब थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब 29 और 31 के बदले जो 11 और 12 को होगा, तो अब आपको 29 और 31 वाला स्किप करके पेपर 5 और 6 स्किप करके अब पेपर 7 का आप लोग तैयारी कीजिए। उसके बाद जिसके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होगा वह पेपर 8 का तैयारी करेंगे। और 5 और 6 मैंने आपको बताया कि 11 जनवरी और 12 जनवरी को ली जाएगी, इसकी भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। वहीं जो ग्रुप सी में तमाम छात्र छात्राएं हैं और जो डी में है, तो सी वाले का आप देखिएगा तो सी वाले का 30 को होना है फर्स्ट सीटिंग में पेपर 5, और डी वाले का देखिएगा तो सेकेंड सीटिंग में होने वाला है। डी में कॉमर्स के भी तमाम छात्र छात्राएं हैं, तो 30 को एग्ज़ाम होगा सी और डी ग्रुप वाले का। ठीक, तो सी और डी में यदि आपका पेपर है सब्जेक्ट, तो आपका एक भी पेपर इधर उधर नहीं गया है, और आपका ए और बी में है तो इधर उधर तो गया है, तो किधर गया है तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और नोटिस भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो जो चीज़ होगी आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।